हाय, मैं हूँ डॉक्टर विशाल और आज मैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। ये कॉमन क्वेश्चन है कि मेरे ऑपरेशन या सर्जरी में खर्चा कितना आएगा। एज अ डॉक्टर आप चाहे जितने अच्छे से चीज़ें बता लो, कितने ही क्लैरिफिकेशन दे दो, एंड में बात यही रह जाती है कि क्या खर्चा पेशेंट के बस में है, उनके बजट में है या उनके बजट में नहीं है। तो आज इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अपनी तरफ से कुछ टिप्स या सजेशन देना चाहूँगा जिससे कि हो सकता है आपका मेडिकल बिल थोड़ा कम हो पाए या आपके थोड़े हॉस्पिटल के खर्चे बच जाए। तो बेसिकली मैं दो पार्ट में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला जो सेक्शन है वो ये बताने के लिए है कि आप कैसे अपने आपको बीमार होने से बचा सकते हैं, कैसे आप सही समय पर हॉस्पिटल पर पहुँच सकते हैं और उस तरीके से आप इनडायरेक्टली अपना खर्चा बचा सकते हैं। द सेकेंड पार्ट विल टेल यू दैट अगर आपका हॉस्पिटल में खर्चा आ ही रहा है तो आपके पास कौन कौन से अलग ऑप्शंस होते हैं उन मेडिकल बिल्स को टैकल करने के लिए, एंड एक एक करके शुरू करते हैं। द फर्स्ट सजेशन टू सेव योर हॉस्पिटल बिल इज़ दैट आप बीमार मत पड़िए। ये सुनने में बहुत ही ऑब्वियस लगता है, कोई भी अपने मर्जी से बीमार नहीं होता है, लेकिन लोग अक्सर अपनी गलतियों से बीमार होते हैं। एज अ डॉक्टर जब मैं बहुत सारी बीमारियों को देखता हूँ, हम उनको स्टडी करते हैं, यही हमारा काम है, मैं आपको आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि 10 में से 5 बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते थे। और इनको अवॉइड करने का एक सीक्रेट फार्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो ये है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखिए। एक तरीका जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये समझाने का, इज़ दैट आप अपने शरीर को कोई महंगी गाड़ी की तरह ट्रीट कीजिए। तो जैसे ही गाड़ी को आप रेगुलरली सर्विसिंग कराते हैं, वैसे ही आप अपने रेगुलरली हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। जैसे ही आप गाड़ी में अच्छे क्वालिटी का तेल डालते हैं, अच्छे क्वालिटी का पेट्रोल डालते हैं, वैसे ही आप अपने शरीर में अच्छा खाना डालिए। जैसे ही आप गाड़ी को संभाल संभाल के चलाते हैं कि कहीं उसमें कोई स्क्रैच ना लग जाए, कहीं उसमें कोई डेंट ना आ जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, वैसे ही अपने शरीर को भी संभाल संभाल के यूज़ कीजिए। होता यह है कि हम गाड़ी जैसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं बिकॉज हमने उसको बहुत पैसे दे के ख़रीदा होता है, हमको वो बहुत कीमती होती है, बट हमारा शरीर जो है हमको फ्री में मिला होता है, तो इसके लिए हम उसकी कभी वैल्यू नहीं करते। मूविंग ऑन, द सेकेंड थिंग इज दैट रीच हॉस्पिटल इन टाइम। हम में से बहुत लोग जब बीमार होते हैं तो हम सबसे पहले हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम सबसे पहले गूगल करते हैं, उसके बाद हम केमिस्ट के पास जाते हैं, फिर हम खुद से दवाई खाना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, खुद के ही डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद कहीं आता है टाइम किसी डॉक्टर के पास जाने का, उनकी फीस देने का, और फिर कहीं बात आती है हॉस्पिटल जाने की। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमने सबने स्कूल में सीखा है, एटलीस्ट मैंने तो सीखा है, दैट स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि आप अगर समय पे कोई चीज़ करोगे तो आपको बाद में वो चीज़ ज़्यादा महंगी या ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगी। एंड दिस अप्लाइज वेरी गुड टू योर ओन हेल्थ। अगर आप बीमार हो, आपको थोड़ी सी भी तकलीफ है, तो आप उसको सीरियसली लो, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, तुरंत सही एडवाइस लो और अपनी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कराओ जिससे कि बाद में आपके खर्चे ना होते। तो किसी डॉक्टर ने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा था और उसमें वो सारी चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो आर्टिकल मैं आपको अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, अगर आप हॉस्पिटल सही समय पर पहुँचेंगे तो आपके काफ़ी खर्चे बच सकते हैं। द थर्ड एडवाइस और टिप दैट आई वॉन्ट टू गिव यू इज़ दैट प्लीज़ सेव मनी फॉर हेल्थ। अगेन मैं आपको गाड़ी वाला एग्जाम्पल ही देना चाहूँगा कि हमको पता है कि अगर गाड़ी में कुछ भी नुकसान हो गया तो हमको खर्चा आएगा, और जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आप एक बजट बनाते हो कि इतने की मैं गाड़ी खरीदूंगा, इतने की तो उसकी सर्विसिंग लगेगी ही, कम से कम सर्विसिंग वाली गाड़ी खरीदेंगे। वैसे ही आपके शरीर के बारे में भी आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर सपोज कल को आप बीमार हो गए तो लगभग हॉस्पिटल्स के इतने खर्चे होते हैं, तो मैं अपनी सैलरी में से या अपनी इनकम में से इतने परसेंटेज पैसे बचा के रख लूँ। जब तक आपकी ये आदत नहीं बनेगी, आप हॉस्पिटल में धक्के खाते रहोगे, आप गुस्सा होते रहोगे, फ्रस्ट्रेट होते रहोगे कि क्यों हेल्थ केयर इतनी महंगी है और क्यों मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। एज अ फैक्ट मैं आपको बताऊँ कि इंडिया की हेल्थ केयर बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती है। बहुत सारी कंट्रीज से लोग इंडिया आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने क्योंकि वो अपने देश में अफोर्ड नहीं कर पाते। फॉर्चुनेटली हमें वो तकलीफ़ नहीं है और हमें किसी दूसरी कंट्री में नहीं जाना पड़ता ट्रीटमेंट लेने के लिए। बट अगर आप थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने ही देश में अच्छी हेल्थ केयर अफोर्ड कर पाएंगे। ब्रिंग्स मी टू माय फोर्थ पॉइंट इज दैट ऑलवेज ट्राई टू गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की इमेज जो है वो काफ़ी ख़राब है। उसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस हम नहीं कर पाएंगे, बट बिंग सेट दैट ऑलवेज इंक्वायर कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका इलाज हो सकता है नहीं हो सकता है,
क्योंकि क्या पता अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका इलाज हो पाए तो आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे, आपके वो हक के पैसे हैं, हक का ट्रीटमेंट है, बिकॉज आपके भरे हुए टैक्स के पैसों से ही वो हॉस्पिटल बनाया गया है. नाउ आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू वंस यू आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. यानी कि एक बार आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं अपने मेडिकल बिल्स को मैनेज करने के. सबसे पहला जो कि बहुत ही ऑब्वियस है वो है हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस अगेन इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है, हालांकि धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है. द मेन रीज़न इज़ दैट हेल्थ इंश्योरेंस को लोग अननेसेसरी खर्चा समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम बीमार नहीं होंगे तो ये पैसे वेस्ट हो जाएंगे. बट जब बीमारी का समय आता है तो जनरली आपके पास इतनी सेविंग्स नहीं होती है कि आप अपना मेडिकल बिल दे पाओ, और वो इसलिए क्योंकि हेल्थ केयर इज़ एन एक्सपेंसिव बिजनेस. आप चाहो या ना चाहो, मानो या ना मानो, चाहे आप जो भी तरीके से एंगल से उसको देख लो, हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, टेक्नोलॉजी खरीदना, ये बहुत ही खर्चीला मामला है. एंड इसी वजह से आपको किसी ना किसी तरीके से तो इसका प्राइस देना ही पड़ेगा. एंड बेटर यही होगा कि आप खुद से पैसे जुटा लें हेल्थ इंश्योरेंस खरीद के या सेविंग्स करके, ना कि आप डिपेंडेंट रहें कि मुझे तो फ्री में मिलना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है वगैरह वगैरह. ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उन पर कम रिलाई कीजिए तो अच्छा होगा. द सिक्स्थ थिंग दैट आई वांट टू मेंशन, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है, इज़ दैट सारे बड़े हॉस्पिटल्स में एक सोशल सर्विस डिपार्टमेंट होता है. ये सोशल सर्विस डिपार्टमेंट का काम यही होता है कि जो पेशेंट्स अपना बिल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उनकी मदद करना, उनको ऐसे तरीके बताना जिससे कि उनका बिल किसी हद तक कम हो सकता है. अब हमारे यहाँ पेशेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं. कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास जेन्युइनली पैसे नहीं होते, उन पेशेंट्स के लिए सोशल सर्विस डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छे से मदद करता है, और बहुत बार उनका ट्रीटमेंट मैंने खुद देखा है कि पूरी तरीके से फ्री भी हो जाता है. एक और चीज़ जो मैंने देखी कि बहुत सारे मंदिर या बहुत सारी जो रिलीजियस बॉडीज़ हैं उनके काफ़ी चैरिटी बॉडीज़ होती हैं जो कि लोगों को अपने ट्रीटमेंट में मदद करती हैं. सब पेशेंट्स को या सब लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, बट बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ऐसे चैरिटीज से फंड्स लेके आते हैं और अपना ट्रीटमेंट सक्सेसफुली करा पाते हैं. सो अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं पता थे तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं. सेवेंथ पॉइंट इज़ दैट यू कैन अवेल मेडिकल लोन्स एंड ईएमआई स्कीम्स. जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन अपने ईएमआई पे खरीदते हैं, जैसे कि आप कार अपने ईएमआई पे खरीदते हैं, वैसे ही आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी ईएमआई पे करा सकते हैं. तो हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए भी आप लोन ले सकते हैं, या आप रीइंबर्समेंट वाली स्कीम भी अवेल कर सकते हैं जिसमें कि आप पोस्ट डेटेड चेक्स देते हैं और आपका ट्रीटमेंट के पैसे उसी समय पे जो कंपनी है वो आपकी तरफ से हॉस्पिटल को दे देती है. इसके मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ये बहुत ही सिंपल है, आप गूगल कर सकते हैं, आपको कई सारी ऐसी कंपनियाँ, कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी. बट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन कंट्रोल योर मेडिकल बिल्स. लास्ट पॉइंट मुझे बताना है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, वो ये है कि आप प्लीज़ हेल्थ की तरफ अपना माइंडसेट चेंज कीजिए. अगर सच में आप चेंज लाना चाहते हैं तो आपको हेल्थ की तरफ तब ध्यान देना पड़ेगा जब आप बीमार नहीं हैं. हम में से 99% लोग सिर्फ हॉस्पिटल की कंडीशन तभी जानते हैं और तभी हमको गुस्सा आता है जब हम खुद बीमार पड़ते हैं. जब आप बीमार नहीं हैं तो आपको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैसे चल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैसे चल रहे हैं, डॉक्टर्स की हालत क्या है. तो ऐसे समय पर जब मेजॉरिटी लोग थोड़ा अवेयर होंगे और इस बात को ज़्यादा ओपनली डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारे हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं और क्यों हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, तो शायद धीरे धीरे चेंज होंगे. तो विद दैट आई विल लाइक टू एंड टूडेज टॉक विद यू. आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो, कुछ आपको सजेशन मिला हो, कुछ वैल्यू मिली हो जिसको कि आप यूज़ कर पाएँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाएँ. अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड एज ऑलवेज सबके साथ इसको शेयर कीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.